बातों हो नहीं रही थी आपसे। नहीं यार, आपको पता था कि मैं आपको देख रहा है। पूरे नेहरू प्लेस को पता था, पर ये बोलता क्यों नहीं है यार? गूंगा तो नहीं है। आउट ऑफ कैश, आउट ऑफ कैश। यार हो गया है, जाइए जाइए। सुन, मैं पीछे वाले एटीएम पे जा रही हूँ, ठीक है? अरे सुगंधा, सुगंधा। अच्छा जी, तो मुझे जब आपने पहली बार देखा तो क्या सोचा आपने? कुछ नहीं, दिल्ली के लड़कों के बारे में ना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, फालतू में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और आप भी तो अजीब हो, बात करने में इतना टाइम लगा रहे थे। तो आप भी तो आ सकते थे ना बात करने। हाँ, लड़कियाँ कभी शुरुआत नहीं करती, लड़के ही करते हैं। फ्री फंड में अपना रूल बना रहे हो आप। ऐसे ही होता है। ऐसे कैसे होता है? बस करो यार, तुम लोग एक महीने से हम लोग कर कर रहे हैं। सारे फवारों की लाइटें गिनती, हमने आधा किलो मूंगफली छू चुके हैं और आज आज भालन का नाच। आजा आजा आजा, देख रही है कौन? भालन, डोंट लूज फोकस यार। अबे वो तुझे नहीं, भालू को देख रही है। अबे हंस क्या रहा है, जाना बात कर। देख भाई, भाप भी ना अपना जन्म से अधिकार है, जाएगा या यहीं पे खड़ा रहेगा? मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ दूं तेरे। अबे जा रहा हूं ना। अबे जा ना फिर। जा भाई जा, प्लीज जा भाई, कर दिखा, जा सिमरन जा। तो तू उस लड़की के चक्कर में यहाँ से वहां हो रहा था और तुझ पे भालू चढ़ गया? हाँ। एकदम पागल है तू। अरे इतनी मेहनत कर रहा है एक लड़की के चक्कर में, इससे अच्छा तो ऑनलाइन रिश्ते ही भेज देता। ऑनलाइन रिश्ता भेज दूँ सीधा? क्यों, टीवी नहीं देखता? जिन पे भालू चढ़ जाते हैं ना, वो लोग ऑनलाइन रिश्ते ही भेजते हैं। अच्छा सुन, अच्छा सा प्रोफाइल बना ले। हाँ कह दे तो फिर टेंशन ना लेना, आगे हम सब संभालेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स का खास ध्यान रखना। बोला सबके सामने कि तोहर बेटा अपना माई के दूध नहीं के पीले, तोहरा बेटा के जान बकस दे। पहले मैं अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। आप तो जानते हैं कि कुंवारी लड़की एक खुली तिजोरी की तरह होती है। फिर मुझे मिला बहु बेटी सुरक्षा कवच, जिसका एक डिवाइस मेरे पास रहता है और एक डिवाइस मेरी बेटी के पर्स में रहता है। इससे मुझे उसके पल पल की खबर रहती है और अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ और मेरा शुगर भी ठीक हो गया है। टॉप लग रही हो, टॉप। भाई साहब कैसा लगा? थोड़ी कमजोर लग रही है, है ना? मोटी लग रही है, मोटी। पता है सुकू बड़ी खुश नजर आ रही है। मैं तो कह रही हूँ रात को जो ऑनलाइन रिश्ता आया ना, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ धीरे बोलो भाई साहब, सुन लेंगे। छोटे, हाँ भाई साहब, सुकू की शादी की बात चल रही है और मुझे पता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाद में बात करते हैं ना भाई साहब। शादी बाद में बात करते हैं, बाद में बात। अरे बाद में क्या बात करते हो भैया? अरे हम कोई तुम्हारी सुगर जिंदगी में नजर लगा रहे हैं क्या? भाई साहब क्यों खाम खाम में डांट रहे हो? सुगु से मेरी कोई बात ही नहीं हुई अभी। एक चीज बता, घर का बड़ा कौन है? अरे मैं की ये ऐसा है भाई साहब, मेरे घर का मैं बड़ा हूँ, आपके घर के आप बड़े हो। तू चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, रहेगा छोटा का छोटा ही। अरे बेटी की शादी में बुलाएगा कि नहीं? कौन सी बेटी, कौन सी शादी? भाई साहब मेरी शादी पक्की होगी और मुझे को नहीं पता। चुप ना रह सकते तुम, है? छोटों से बेइज्जती कराने का बहुत शौक है तुम्हें। अरे सुगु के ब्याह में शामिल नहीं करना चाहते तो ना करें। क्या देख रही बिमला, जबकि तारीख निकले ना तो बता देना, जब टाइम हुआ तो आ जाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने डेट सेट कर दी और मुझे बताया तक नहीं। अरे भाभी जी आप क्या बेइज्जती बेइज्जती कर रही हैं? 100 रुपए के तो फुल्ले खिला दिया हमने आपको, और हम तो इनसे कह रहे थे कि भाई सब कोई बिठाएंगे कन्यादान में। कन्यादान? हाँ ये कन्यादान वाली बात सही है। विदाई के पहले कोई मुझे बताएगा कि किसका रिश्ता आया है? बेटा ऑनलाइन पे आया था यार। और भाई साहब आप नीलम जब 11वीं में फेल हुई थी, आपने हमको बताया था क्या? बस छोटे बस, अब उसकी बात कहाँ से आ गई? एक मिनट, तू बदला ले रहा मुझसे? अरे बताते तो तब ना, लेकिन हरिद्वार से निकल के तूने हमें अपने दिल से निकाल दिया। कितनी बार मेरे कंधे पे तू सूची क्या करता था? अरे फिर कर दूंगा, आप वही वाले बड़े भाई साहब तो बनो। वही बड़े भाई साहब हैं, वही बड़े भैया ना होते तो बाबूजी की बर्सी पे हिसाब करते। बड़े हैं इसीलिए बड़प्पन दिखा रहे। यार कोई मुझे दिखाएगा कौन सा रिश्ता आया है? अरे बेटा बड़ा अच्छा लड़का है। लड़का वो क्या होता है?
गर्ल स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल फ्रेंड्स, यहाँ तक कि स्विमिंग की क्लास में भी ना लड़कियों के बैच में डाला था आप सबने। लड़के का क्या अचार डालूंगी मैं, अरे दिखा दीजिए ना। एक मिनट, अरे बेटा, हाँ ये ले बेटा, मुझे दिखा। फिर अरे रुको, दिखाता हूँ आपको, बच्चों जैसी हरकतें करता है। भालू वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर फोन नंबर भी ले लेता ना तो बात आगे बढ़ जाती, पर उसने डायरेक्ट रिश्ता भेज दिया। ये कोई बात हुई? मतलब सिर्फ हॉट लड़कियों को हक है लव स्टोरी का, नॉर्मल लड़कियों की कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। बंदे का पैकेज तो देख ले यार। शक्ल नहीं देखनी मुझे, चीटिंग हुई है मेरे साथ। शादी के बाद लव स्टोरी शुरू नहीं होती, खत्म हो जाती है गिन्नी। इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो चल मना कर। अब लड़का तो डिसेंट है ना, मना कैसे करूं? क्या क्या सपने देखे थे मैंने, हम मिस कॉल खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। उसने ना मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। एक तो वैसे ही अच्छे लड़कों की कमी है, और जो है वो उसने मेरे लव को अरेंज में बदला है ना, अब मैं इसी अरेंजमेंट में लव निकालूं। या कोई मुदित है? मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। दो है, एक शर्मा और एक श्रीवास्तव। भालू वाला एक सेकेंड। हेलो, हाँ मुदित, तुमसे कोई मिलने आया है। आप कौन? फट्टू हैं आप? नहीं जी, शर्मा है गुड़गांव के, और मम्मी की साइड से तो। गोत्र नहीं पूछा आपका, बाहर आइए। क्या सोच के ऑनलाइन रिश्ता भेजा? आजकल के लड़कों को ना मेहनत ही नहीं करनी। पिछले एक महीने से ताड़ रहे हो आप, पर बात करने की गट्स नहीं है, हैं? 45 मिनट हो रखा है मेरा लंच टाइम। भाई के लिए 3 वीडियो गेम खरीद चुकी हूँ, 3 सॉफ्टवेयर और 4 DVD ले चुकी हूँ मार्केट से, पर मजा ले कि आप अप्रोच करें। करा तो था, मुझे क्या पता था भालू मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। हंस रहे हो, देखो हंस रहे हो आप, हंस रहे हो कैसे बात करता बताओ। देखो एम्बैरेसिंग हो रहा है अब। इसलिए आपने ऑनलाइन रिश्ता भेज दिया? कोई ऑप्शन ही नहीं थी। देखो प्रैक्टिस बड़ी की थी मैंने आपसे बात करने की, मन में रट्टा मार रखा था पूरा, बचपन की प्रॉब्लम है, थ्योरी सेट है मेरी, साला प्रैक्टिकल में अटक जाता। क्या तूने ठीक नहीं किया यार, सर रिपोर्ट मांग रहे थे यार। कर रहा हूं ना यार, सुन तो सही, घर से कंपनी बंदी हो रही है, जरूरी है भगले यहां से जाना। दोस्त है आपका? ऐसी है, आपको देख के बेफालतू में फैल रहा था। चलो मैं चलती हूँ, डांटना पिट जाए आपको आपके बॉस से। छुट्टी पे है, दस तो रखे उसे, और मुझे कौन सा टिकना है यहाँ पर, रिज्यूम डाला हुआ है मैंने, कॉल आते ही। भूपिंदर तो चाय देना, मैं पी लूंगा। लो साहब चाय मांगिए, धूम्रपान पड़ेगा महंगा, टेस्टी कराओगे हमारी। इंजीनियर हो? डिप्लोमा की है NIT से। अच्छा, कौन से वाले से? पीतमपुरा। अस्थाना जी है ना वहाँ? ठरकी है साला, फैमिली फ्रेंड है हमारे। सॉरी। नहीं, ठरकी तो है। तो नई जॉब मिलेगी तो चले जाओगे यहाँ से, फिर नई लड़कियाँ ताड़ोगे, है ना? लॉयल्टीनेस नाम की चीज होती है लाइफ में। अच्छा, मतलब उस दिन अगर भालू नहीं आता आपने तो चेप ही हो जाना था। नहीं, अब लड़कियां ना नेक्स्ट लेवल होती है वैसे, सब कुछ चाहिए ना आपको, बाय गॉड। ओके बाय, चिल्लाने के लिए सॉरी। हाँ या ना? ऑनलाइन शॉपिंग मैं भी करती हूँ, पर पहले दुकान में जाके जीन जून ट्राई करती हूँ, ट्राई करने के पैसे नहीं लगते। तो कर लो ट्राई, कौन मना कर रहा है, लड़कियों की नाम में भी हाँ होती है वैसे। और जो लड़के ऐसा सोचते हैं वो स्टुपिड होते हैं। आपने नो कर दी मतलब? बड़े नेगेटिव टाइप के हो आप वैसे। अरे मिल तो लो, आपकी ना को हाँ में बदल देंगे। मिलो फिर। कहाँ? ऑनलाइन, आपको उसी का शौक है ना, वहाँ भालू भी नहीं होगा, लेकिन मम्मी पापा के साथ। ऑनलाइन वालों पे भरोसा नहीं है मुझे। कॉल लगा रही हूँ, ठीक है? उनको दिख रहे हैं उनका क्या है? मैं चलाता हूँ। क्या 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 क्यों ना लगा यार, प्लीज। अरे तो स्लो कर, आ गए आ गए आ गए। हाय, कितने सारे लोग आए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी।
बैठ जो। अरे मेरे नीम के जो। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है, वैसे भी हम बड़े मॉडर्न ख्याल के हैं। नहीं नहीं, हम भी मॉडर्न है, मगर क्या है ना कि पैर छूने से वो कमर की एक्सरसाइज हो जाती है और पैरों का एक्यूट प्रेशर भी हो जाता है। वैसे आपकी तबीयत ठीक लग रही है, रहने दे बेटा। अब बेटी, वो पीछे दीवार पे पेंटिंग तुमने बनाई है? कहाँ? ये? नहीं नहीं, ये तो सीलन है। ये सीलन? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मॉडर्न आर्ट है। चाचा समधी जी, जी मुझे लगता है अब हम चलते हैं, बच्चे बैठ के आपस में बात कर लें, क्यों जी? कहाँ चलें? आप लोग बैठो, मैं जाता हूँ। अरे तू धमाजी चले गए? हाँ तू ये लाना मत, ये वाईफाई के कनेक्शन। अच्छा समधी जी, अच्छा जी, अच्छा हाँ जी जी, आजा आजा चल। अरे आजा बेटा, आजा मेरे पीछे पीछे। हाय। हेलो, कैसे हो बेटी को? कल्लब जब भी आपको देखती हूँ ना भालू। एक्सक्यूज मी, कॉम्प्लीमेंट था ये, अब भालू ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना मुझे कि मेरे से आगे चिमड़ गया। भालू को तो देख ही नहीं पाया मैं, पूरी कंसंट्रेशन आप पे थी, मतलब फुल फोकस आप पे, वो अर्जुन की आंख वाला हिसाब किताब, मछली की आंख। हाँ वही। एक बात बताओ, शादी क्यों करना चाहते हो मुझसे? आप अच्छे लगते हो, आपको देख के आपसे बात करने का मन करता है। देखो मार्केटिंग में जॉब करता हूँ, काफी कुछ बेचा है मैंने, पर अपनी प्रेजेंटेशन पहली बार दे रहा हूँ लाइफ में। घर वाले कब से पीछे पड़े हुए, शादी कर ले शादी कर ले, पर मुंह से हाँ ना सिर्फ आपको देख के ही निकले। आप हाँ बोलोगे या ना पता नहीं, पर स्पेशल तो होगा। बिरला मंदिर पता? यहाँ है ना? भी नहीं है। आपकी मम्मी से शगुन जरूर लूंगी, पर अपनी मम्मी से दिलवाऊंगी या नहीं कि अभी माइंड नहीं बना। ओके बाय मम्मी।